हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम नहा धुला कर किचन में आ गए हैं। तो आज है शरद पूर्णिमा, तो शरद पूर्णिमा के लिए हम चावल का खीर बनाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं खीर हम कैसे बनाते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। चावल की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम नट्स को तैयार करेंगे काट कर। तो यहाँ पे हम 10-12 काजू, 10-12 किशमिश और 6-7 हम बादाम ले लिए हैं, और 1/4 कप जो सॉल्ट ग्रेन का राइस आता है जिससे हम खीर बनाते, वही चावल हम यहाँ पे लिए हैं। और इसे हम सबसे पहले अच्छी तरह से पानी से 2-3 बार धोकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इधर जो काजू बादाम है उसे हम काट लिए हैं, और चावल को भी धोकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, गैस पे एक पैन चढ़ा दिए हैं, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। अगर आप नट्स को फ्राई करके खीर में डालेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो हम नट्स काट के रखे हुए थे उसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, और 2-3 मिनट के बाद नट्स हमारे फ्राई हो गए हैं देखिए। और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, इसे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं फ्राई करना है। और जो घी बचा है थोड़ा सा, उसी में ही हम चावल को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें ऊपर से घी हमने नहीं डाला है, घी ज़्यादा डालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सो इसी में हम चावल को 1 मिनट और फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो चावल है खीर के लिए वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम साइड करके रखते हैं। तो आज हम खीर को मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे। देखिए, मिट्टी के बर्तन में हम यहाँ पे 1/2 लीटर दूध गर्म कर रहे हैं, फुल फैट वाला दूध है। और इधर दूध में उबाल आ गया है, जो हम चावल फ्राई करके रखे हुए थे इसमें हम डाल देंगे इस टाइम। और फ्लेम को हम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे, लो फ्लेम पे ही हम घीर को पकाएंगे। चावल डालने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इन्हें उबलने के लिए छोड़ दें। और खीर बनने में कम से कम आपको 10 मिनट तो ज़रूर ही लग जाएंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट के बाद एक बार हम फिर से इन्हें चेक किए हैं, और अभी भी चावल पूरी तरह से पका नहीं है। तो लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है, और हर 2 से 3 मिनट पे एक बार इसे चलाते रहना है। और करीब हम यहाँ पे 7 मिनट चावल को कुक किए हैं, और चावल अब पक गया है। चावल पकने के बाद ही इसमें हमें चीनी को मिक्स करना है, उसके पहले नहीं मिक्स करना है चीनी को। तो सबसे पहले हम जो भून कर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे हम मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर। जितना हम चावल लिए हैं उतना ही हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा के लिए हम खीर बना रहे हैं तो इसे हम शुगर से ही बनाएंगे। और ऐड करेंगे यहाँ पर हम 2 हरी इलायची कूटकर इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चीनी डालने के बाद फिर से हम इसे 2 मिनट और कुक करेंगे। चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा खीर पानी पानी लग रहा है, तो इसलिए 2 मिनट और इन्हें कुक कर लेना है। और ये देखिए, अच्छी तरह से ये चीनी के साथ भी कुक हो चुका है चावल, और हमारा खीर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे, तब हम इसे चांद के नीचे रखेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो खीर है पूरी तरह से ठंडा हो गया है, और देखने में भी एकदम अभी गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ीदार खीर बना है हमारा। और मिट्टी के बर्तन में जब भी आप खीर बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे हुए थे उसे गार्निश कर देंगे। ये हमारा शरद पूर्णिमा स्पेशल चावल का खीर बनके तैयार हो गया है। और इसे अब हम क्या करेंगे, एक जाली है मेरे पास इस तरह का, तो इसे हम ढककर चांद के नीचे रख देंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।